आर्थिक संकट के साथ पाकिस्तान बड़े सैन्य संकट का भी सामना कर रहा है। पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच सीमा पर जंग जैसे हालात हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा यानी ड्यूरंड लाइन पर कई बार भयंकर तनाव की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान को कई बार हमले की चेतावनी दी है। इन सब के बीच तालिबान के समर्थन वाले आतंकी समूह टीटीपी ने कई बार पाकिस्तान के शहरों में हमला किया। टीटीपी ने पिछले दिनों पेशावर की मस्जिद और कराची में पुलिस मुख्यालय पर भीषण हमला किया था। इन हमलों से घबराए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री तालिबान को मनाने के लिए काबुल पहुंचे थे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल घनी बरादर अंखुद और अन्य अफगान मंत्रियों से मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात को लेकर पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तानी मंत्री अफगानिस्तान की जेलों में बंद पाक कैदियों से मुलाकात करने के लिए गए थे। माना जाता है कि टीटीपी तालिबान के समर्थन वाला आतंकी समूह है जो तालिबान के इशारे पर पाकिस्तान के अंदर हमले करता है। अफगानिस्तान में टीटीपी के 10,000 आतंकी हैं जो पाकिस्तान पर हमला करते रहते हैं। यही नहीं, इमरान खान और बाजवा की गलत नीतियों का फायदा उठाकर टीटीपी आतंकी बड़ी तादाद में कबायली इलाके में घुस आए हैं। ऐसे में दोनों के बीच बढ़ते तनाव का असर और भी कई अन्य क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव से तोरखम सीमा बंद है, जिससे 6,000 से ज्यादा ट्रक दोनों तरफ फंसे हुए हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान में सामान की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। आपको बताएं तो आर्थिक संकट की वजह से पाकिस्तान ने अपने सैन्य बजट में भी कई गुना कटौती किया है।